नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं हम कुछ खास जो कि आपके लिए उपयोगी हो। आपके लिए आज भी नई जानकारी लेकर आए हम आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज की दुनिया में भागदौड़ बहुत है और इस लाइफस्टाइल की वजह से हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस रहने लगा है और स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर, आज हम आपको बताएंगे ब्लड प्रेशर के ज्योतिषीय उपाय, साथ ही एक मंत्र जिसके जाप से आपको ये रोग खत्म हो जाएगा। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए दर्शकों, देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं इसके बारे में मुख्य बातें। गुल्लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज की जो ये भागम भाग लाइफ है, जिंदगी है, दौड़ती भागती जो हमारी लाइफ है, जिंदगी है, आप हम या यूं कहूं कि लगभग हर आदमी, हर इंसान किसी न किसी स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। किसी को नौकरी का स्ट्रेस है तो किसी को पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है। पैसा बहुत है तो भी स्ट्रेस है और पैसा नहीं है तो भी स्ट्रेस है। पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने का स्ट्रेस है। तो इस व्यस्त जीवन शैली, उसमें अनुचित आहार और ये जो तनाव है, जो ये स्ट्रेस है, ये कई रोगों को और विकारों को जन्म देते हैं। उनमें से एक ऐसी बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को या लो ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की गिरफ्त में है, क्योंकि इस रोग के कोई स्पष्ट लक्षण सामने दिखते ही नहीं है। ब्लड प्रेशर रोग जो है वो राजसी श्रेणी का माना जाता है, जो कि जीवन में आने के बाद फिर कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि केवल मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल होकर जीवन भर हमें दंड देता है। अक्सर आपने देखा होगा जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो रोज सुबह या शाम को गोली अवश्य लेते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। कई बार ब्लड प्रेशर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लो हो जाता है तो समस्या हो जाती है, और पता ही नहीं पड़ता है कब हाई हो गया और कब लो हो गया। हम तो दिन भर अपना काम कर रहे हैं, उसमें हमारा ब्लड प्रेशर कितनी बार अप हुआ और कितनी बार डाउन हुआ, नोबडी नोस। तो जो ब्लड प्रेशर नामक जो ये रोग है, ये किडनी और हृदय रोग जैसी बीमारियों को दावत देता है, इनवाइट करता है। तो दोस्तों, अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज के बाद आप स्वयं आप अपना इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बड़ा ही दुर्लभ, एक बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रहा हूं। इस दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग में एक मंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। आज मैं आपसे दावा करता हूं कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें, निश्चित तौर पर आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। साधना के पश्चात आप इस रोग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके कुंडली में षष्ठेश और अष्टम स्थान, जो कि रोग और आयु के सूचक होते हैं,
इनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको ब्लड प्रेशर रोग दूर करने वाला एक बहुत ही दुर्लभ चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहा हूं। कागज कलम लेकर बैठ जाइए, इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारिक है, दुर्लभ है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, सुन लीजिए, समझ लीजिए। बहुत सरल और छोटा सा मंत्र है, क्योंकि इस प्रयोग में मंत्र की विशेष भूमिका है। यह मंत्र आपके टीवी स्क्रीन पे भी आएगा। बहुत ही सरल मंत्र है, दो या तीन बार इस मंत्र का उच्चारण करूंगा ताकि आपको समझने में लिखने में दिक्कत ना हो। ओम शम पम शम ओम, ओम शम पम शम ओम। कितना सरल मंत्र है, देखिए। ओम शम पम शम ओम, ओम शम पम शम ओम। इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 108 बार जाप करना है, उठते बैठते। ओम शम पम शम ओम, ओम शम पम शम ओम। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते रहें। बड़ा ही दुर्लभ और चमत्कारिक मंत्र है। शास्त्र कहते हैं दोस्तों कि मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन से भगवान पर आस्था रखते हुए मंत्र का यदि जाप किया जाए तो निश्चित तौर पर मंत्र जाप के बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। तो ये मंत्र आपके जीवन में छाए हुए ब्लड प्रेशर नामक रोग को दूर करने में सक्षम है। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं, इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी आप सभी के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, मंत्र तो आपने बता दिया सभी दर्शकों को, लेकिन पंडित जी मंत्र को जपने के लिए जो विधि है, जो महत्वपूर्ण विधि है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। आइए जान लेते हैं ब्लड प्रेशर जैसी ला इलाज बीमारी को जड़ से खत्म करने वाले दुर्लभ मंत्र प्रयोग की सरल विधि। ओम शम पम शम ओम। जानते हैं उस दुर्लभ विधि को, उस दुर्लभ मंत्र की विधि को। आप इस मंत्र को शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करें तो आपको इस मंत्र का विशेष लाभ मिल सकता है। इस मंत्र को करने से उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, सभी रोगों को हरने वाले भगवान शंकर आपके वश में हो जाते हैं। अब आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के सोमवार को प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात, निवृत्त होने के पश्चात में सफेद रंग के आसन पर पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। आसन के ऊपर सफेद वस्त्र धारण करके आसन ग्रहण कर लीजिए और सबसे पहले आचमन करें, प्राणायाम करें। तत्पश्चात में अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस चौकी अथवा बाजोट के ऊपर एक सफेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर कुमकुम से या केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए, ओम का चिन्ह बना दीजिए। उस ओम के चिन्ह या स्वस्तिक के चिन्ह के ऊपर एक मुट्ठी चावल जो कि हरिद्रा से रंगे हो, यानी हल्दी से रंगे हो, यानी पीले चावल की एक ढेरी उस स्वस्तिक के चिन्ह के ऊपर रख दीजिए। तत्पश्चात में वो हरिद्रा से रंगे हुए जो चावल की ढेरी आपने रखी है उसके ऊपर एक तांबे का कलश स्थापित कर दीजिए। कलश के अंदर गौरस से बना हुआ शुद्ध देशी घी उसके अंदर भर दीजिए। अब देशी घी से भरे हुए कलश के मुख पर एक तांबे की प्लेट आपको रखनी है। तांबे की प्लेट पर केसर से ओम और स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। एक पंचमुखी या एक मुखी रुद्राक्ष लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध करके तांबे की प्लेट के ऊपर रख देना है। अब सबसे पहले आपको भगवान गणेश, भगवान शिव की पूजा और मंत्र जाप का संकल्प करना है। संकल्प के पश्चात में आप सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें, उनका वंदन करें, उनका आवाहन करें। आवाहन करने के पश्चात में उनकी विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात में
माँ जगदम्बिके की वंदना करें, उनका आवाहन करें, उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। तत्पश्चात में भोलेनाथ की आराधना करें, वंदना करें, उनका आवाहन करें, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी फल नारियल पुष्प सुगंधित इत्र वस्त्र आभूषण दक्षिणा इत्यादि भगवान भोलेनाथ को, मां अंबिके को, भगवान गणेश जी को अर्पण करें, साथ साथ में अपने पितृ देवता की भी पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के पश्चात में जो मंत्र मैंने आपको बताया है उस मंत्र का आपको जाप करना है, कम से कम 108 बार तो करना ही करना है, ज्यादा करें तो अति उत्तम है। मंत्र जाप के पश्चात में आपको आरती अर्चना करनी है, पुष्पांजलि करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है और अंत में गंभीर बीमारियों से मुक्त सुंदर शरीर हमारा बना रहे ऐसी मंगल कामना हमें करनी है। इस प्रयोग को लगातार 40 दिन तक आपको करना है। 40 दिन बाद अपने अनुष्ठान की पूर्ति के लिए मंत्र जाप का दशांश हवन, जब भी हम कोई जितने भी 40 दिन में मंत्र करते हैं जो भी उनकी संख्या हो जाती है उसका दशांश हमें हवन अवश्य करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। हवन के पश्चात ब्राह्मण और कन्या को भोजन अवश्य करवाएं। पूजा में जो रुद्राक्ष आपने रखा था उस रुद्राक्ष को लाल या काले धागे में गले के अंदर धारण कर लें। तांबे के कलश में जो आपने शुद्ध देशी घी भरकर रखा था उस देशी घी को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। उसमें से थोड़ा देशी घी अपने ने रख लीजिए जो कि प्रसाद के रूप में आपको सेवन करना है। इस प्रकार इस विधि से अनुष्ठान संपूर्ण होता है। इस प्रकार इस विधि से संपूर्ण पूजा पाठ करने से उस रुद्राक्ष को गले में धारण करने से आपको आपकी ब्लड प्रेशर नाम की जो लाइलाज बीमारी है उसमें चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आपकी जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंस है, दवाइयों के ऊपर जो आपकी निर्भरता है वो खत्म होती है। तो एक सरल सा मंत्र, सरल सी उसकी पूजा विधि, इसके द्वारा आप डायबिटीज हुई, ब्लड प्रेशर हुई, इस तरह की गंभीर बीमारियों को भी आप मंत्रों के जाप से दूर करने में आप स्वतः ही सक्षम हैं। तो दर्शकों फिलहाल के वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।